चलने लगा दे। गुस्सा भी आता है और हैरत भी। तू ना जा मेरे खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। अरे राजा होगी भिखारी, मंज होगी बिहारी, आखिर आखिर सबके तकदीर में क्या है? क्या है? बस वही दो गज कफन और दो मन लड़की लकड़ी। अरे इस तमाशे में कुछ नहीं रखा भैया, कुछ नहीं रखा। आप देख रहे हैं करा साज, मेरा नाम मुबशिर लुकमान और आज बड़े हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं तीन चार और सारे बड़े अहम हैं। लेकिन सबसे पहले बहुत ही अफसोस के साथ श्री देवी जो बहुत ही बड़ी आइकॉन और सुपरस्टार रही हैं बल्कि हैं वो अब हमारे दरमियान नहीं। जितनी बड़ी उन्होंने एंट्री मारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री में उतनी ही गालिबन बड़ी उनकी एग्जिट दुनिया से भी हो गई। सबको हैरान और परेशान और दुखी खास तौर पे करके उन्होंने छोड़ दिया। श्रीदेवी जो थी वो इंडियन फिल्म स्टार की पहली मुस्तनद सुपरस्टार थी, फीमेल सुपरस्टार थी जिन्होंने आके डिमांड किया कि मैंने करोड़ रुपया चार्ज करना है और फिर वो उनको मिला। उनके मतलब अगर मैं ये कहूँ कि वो हीरो थी तो ये गलत नहीं होगा। शी वॉज नॉट अ हीरोइन, शी वॉज अ हीरो। और उनसे साउथ में भी फिल्म चलती थी, बॉम्बे में भी चलती थी, नॉर्थ में भी, हर जगह पे बड़े बड़े नाम इंडिया ने दिए और पूरी दुनिया को। और वो अपनी ज़िंदगी में लेजेंड्स बन गए। लेकिन कुछ ऐसे नाम जिस तरह से वो गए वो बहुत ही एक सवालात को जन्म दे गए। श्रीदेवी पे आएंगे आज सेनेट इलेक्शन और उनके अंदर चलने रेट क्या है और किसको कितने पैसे चाहिए अब सेनेटर बनने के लिए वो भी डिस्कस करेंगे। आज चीमा की गिरफ्तारी के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स का गठजोड़ जो है इसके पीछे क्या राज है, कौन सा ब्यूरोक्रेट उसका कौन सा केस नैब में खुल चुका है वो आपको बताएंगे। और 15 से 20 एमएनए अगले 48 घंटे में नून लीग किसकी कयादत में छोड़ने वाले हैं, मैं आपको दावा कर रहा हूं आज 15 से 20 एमएनए नून लीग छोड़ने वाले हैं और वो यानी अगले 48 घंटे में छोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको श्रीदेवी के मतलब चंद बातें बताऊं जो बड़े अहम सवालात हैं और मुझे ज्वाइन किया है इंडिया से अरुण अस्थाना साहब, ये भारतीय साफी हैं, एक्चुअली प्रोड्यूसर भी हैं और इंडिया में तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, यहाँ हमें इनका तारुफ कराना पड़ रहा है आपसे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेगमेंट के लिए जनाब ताहिर सरवर मीर साहब, हमारे बड़े लेजेंडरी साफी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पाकिस्तान में। और मुझे दीगर अफराद में ज्वाइन कर रही हैं जनाब डॉक्टर ज़रका तैमूर, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सेनेट की कैंडिडेट है, पलवशा खान रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे जनाब सलीम मांडवी वाला। बट सबसे पहले वॉच दिस। वो श्रीदेवी जिसकी फिल्में देखने के लिए लोगों की सिनेमा घरों के बाहर कतारें लग जाती, जिसका जलवा देखते ही किसी की धड़कनें तेज हो जाती तो किसी की सांसें थम जाती, पुरस्रार तौर पर दुनिया से चली गई।
300 फिल्मों में जादू जगाने वाली श्रीदेवी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली खातून सुपरस्टार थी। उन्होंने 4 साल की उम्र में तमिल फिल्मों से अदाकारी का आगाज किया। 1979 में श्रीदेवी की पहली बॉलीवुड फिल्म सोलवा सावन रिलीज हुई तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आइंदा इशरों में कोई अदाकारा श्रीदेवी के सामने ठहर नहीं पाएगी। उनकी फिल्मों में सदमा, कर्मा, आखिरी रास्ता, नगीना, जाबाज, मिस्टर इंडिया, चांदनी, लम्हे, खुदा गवाह और जुदाई जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। वो एक मुकम्मल अदाकारा थी। उनमें कॉमेडी, एक्शन, डांस और ड्रामा जैसी सब सलाहियतें मौजूद थी। फिल्म मिस्टर इंडिया के एक सीन में उन्होंने चार्ली चैपलिन की नकल की और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके फिल्मी गाने हवा हवाई, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात और तू मुझे कबूल आज भी लोगों को याद है। हॉलीवुड हिदायतकार शेखर कपूर ने एक बार श्रीदेवी के बारे में कहा कि जब वो हवा हवाई गीत शूट कर रहे थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रीदेवी के चेहरे के खूबसूरत तासुरात और दिलकश आंखें दिखाएं या फिर उनका दिल फरेब रक्स शूट करें। श्रीदेवी ने राजेश खन्ना, कमल हसन, ऋषि कपूर, जितेंद्रा, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। खास तौर पर श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी बहुत मशहूर थी। जानम, मेरी जानम, जानम, मेरी जानम। उनकी बेमिसाल फनकाराना सलाहियतों पर उन्हें इंडिया के पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। श्रीदेवी की जिंदगी में बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब उन्होंने बोनी कपूर से शादी का फैसला किया, जो कि पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने हिदायतकार बोनी कपूर के साथ 1997 में कई फिल्में की और फिल्म जुदाई के बाद फिल्मों से ब्रेक ले ली। लेकिन सन 2012 में जब वो इंग्लिश विंग्लिश के साथ हिंदी फिल्मों में वापस आईं, तो ऐसा लगा कि वो फिल्मों से गई ही नहीं थी। गुज़श्ता साल 2017 में रिलीज होने वाली फिल्म मॉम उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी ने श्रीदेवी के साथ काम किया। श्रीदेवी की दो बेटियां जानवी और खुशी हैं। श्रीदेवी तो ना रहीं, लेकिन उस खूबसूरत, शोख और चंचल अदाकारा की अदाएं हमेशा परस्तारों को याद रहेंगी। बहुत मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब श्रीदेवी की मौत की इत्तला मुझे मिली तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज स्टंड। वो जिसे कहते हैं ना, आपको कोई हवा निकल जाती है। और कल दोपहर तक ऐसा ही था, शाम तक ऐसा ही था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बयान आना शुरू हुए, चीज़ें आना शुरू हुई और मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। और कल रात से मैं अपने तमाम करीबी दोस्तों को और खरा सच की टीम में मैं उनको बता रहा हूँ कि ये आसान मौत नहीं है और इसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो क्यों है वो तो मैं बताऊँगा, लेकिन हमें ज्वाइन किया हमारे दोस्त जनाब अरुण अस्थाना साहब ने, भारतीय सहाफ़ी हैं, और मैं चाहूँगा कि जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ उससे पहले मैं उनका मौक़िफ़ ले लूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो भी बात करूँ उसके बाद उनको वहाँ पे वो अच्छी ना लगे, तो मैं वो भी नहीं करना चाहता। तो अरुण जी, इस वक्त इंडिया में लेटेस्ट क्या है? मुझे पता चला है कि 17 घंटे की इंटरोगेशन के बाद दुबई पुलिस ने बोनी कपूर को रिलीज़ कर दिया है और रात को 1 बजे दुबई टाइम पर श्रीदेवी की बॉडी जो है वो अंबानी के प्लेन में इंडिया के लिए रवाना कर रही है। इसके अलावा आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए मुबशर भाई, मैं सबसे पहले मतलब आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपनी जो हमारे अंदर के इमोशंस हैं उसकी 1/30 सेकंड से बात करूंगा। वो ये कि हाल में ही 13 दिसंबर को हमारे वालिद साहब नहीं रहे, 20 जनवरी को हमारी वालिदा नहीं रही, और मतलब इन दोनों के बीच 1 महीने का वाकफा था, और 24 फरवरी को श्रीदेवी नहीं रही, जिसे मैं 2 बार मिला था और बहुत अच्छे से बातचीत हुई थी। तो मुझे लगता है कि मेरे परिवार से एक हमारे वालिद साहब, एक वालिदा और फिर एक बहुत अजीज कोई चला गया है। और ये हालात जो है ये मेरे लिए नहीं है, ये इस समय पूरे हिंदुस्तान के लिए हैं,
ना केवल हिंदुस्तान के लिए हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी हैं, बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए हैं और उन सारे लोगों के लिए हैं जो दुनिया भर में कहीं भी बैठे हुए हैं और जो हिंदी फिल्में और हिंदुस्तानी फिल्में देख रहे हैं। अब आती है आपके सवाल का जवाब। हिंदुस्तान इस समय शॉक में है और बड़े जबरदस्त शॉक में है। होता क्या है कि सारी चीजें जो दुबई में हो रही हैं, जो श्रीदेवी की डेथ के बाद जो सारी प्रोसीडिंग्स हुई, पोस्टमार्टम में टाइम लग रहा है, बॉडी नहीं आ पाई है, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। पहले ये है जो आपने पूछा कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि कोई ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से श्रीदेवी की 54 साल की उम्र में डेथ हो जाए। ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है और वो वजहें भी चूंकि दुबई पुलिस और एमिरेट्स की जो पूरा अमला है वो बहुत ही एफिशिएंट माना जाता है और समझा जाता है कि वो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगा सब चीजों को, इसके बावजूद ये सच है कि हिंदुस्तान में चाहे मीडिया हो चाहे इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री, कोई पचा नहीं पा रहा है कि 54 साल की उम्र में श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस की इस तरह से डेथ होगी जिस तरह से हुई है। कोई पचा नहीं पा रहा है कि एक बाथटब में गिर के एक 54 साल की महिला, एक खातून जो फिजिकली कंप्लीटली फिट है, हालांकि उसके पीछे रीजंस और हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो अपनी जान गंवा सकती है। तो कहीं ना कहीं शक है, लेकिन शक से बड़ा सदमा है, सदमा जो श्रीदेवी की सबसे उम्दा फिल्म रही है। मैं कुछ बातें बताऊं अरुण जी यहाँ पे अपने साथियों को और अपने देखने वालों को कि श्रीदेवी की अचानक मौत ने दुनिया भर में उनके लाखों बदलावों को उदास न सिर्फ कर दिया बल्कि अपने शोहर बॉनी कपूर और बेटी खुशी के साथ रैसल खेमा में अपने भांजे मरबत की शादी की तकरीब में वो शिरकत के लिए वहाँ पहुँची थी। फैमिली जुमेरात 22 फरवरी को होटल से रवाना हो गई और उसके बाद श्रीदेवी और उनकी फैमिली दुबई के एमिरेट्स टावर में क्याम पजीर थी जहां उनकी मौत वाकई हुई। हैरत अंगेज तौर पे जो है यहां पे अब सवाल क्या आता है कि सडनली पता चलता है कि बॉनी कपूर जो हैं वो आए वहां पे और उन्होंने कहा पहले वो इंडिया वापस आ गए थे, फिर वो एक गैप के बाद वो वापस गए और उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई है पहले कोई 40 मिनट फोन के ऊपर, फिर वो 15 मिनट उनकी होटल में बात हुई है और उन्होंने जाके श्रीदेवी जी को कहा कि जी आपको मैंने सरप्राइज देनी है और आपको मैं खाने पे लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता 20 साल की शादी के बाद कौन शौहर अपनी बीवी को सरप्राइज डिनर डेट पे लेके जाता है, बट वो ले गए, ना उनकी बर्थडे ना उनका जन्मदिन। अब तक श्रीदेवी के मौत के 4 वर्जन्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं जो एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दे रहे। मस्तन बॉनी कपूर ने सबसे पहले ये कहा और जो खबर आई और जो मेरे पास व्हाट्सएप में भी आई कि श्रीदेवी को बड़ा सीवियर दिल का दौरा पड़ा, कार्डियक अरेस्ट हुआ जिसकी वजह से वो फौरी तौर पे फौत हो गई। दूसरा ये कि वो ममनुआ अद्वियात लेती थी, दवाइयां लेती थी, स्लेमिंग टैबलेट्स लेती थी और वो ऐसी चीज़ें लेती थी जिनकी वजह से उनके कारण डेथ का कारण हो गया। तीसरा वो ये कि उन्होंने इतनी बारी बोटॉक्स और फिलर्स वगैरह करवाए और इतने 24 के करीब प्रोसीजर्स अपने चेहरे के ऊपर करवाए कि एक प्रोसीजर जो था दैट वेंट रॉन्ग और उसके बाद वो कॉम्प्लिकेशंस हुई और उनकी डेथ हो गई। फिर यह कि बाथ टब में हादसाती तौर पर डूब कर मरी क्योंकि वो नशे की हालत में थी, उनके खून में अल्कोहल के सैंपल्स भी मिले हैं और सबसे एंड में यह कि वो बाथरूम में गिर कर फौत हुई और फौरी तौर पर जो अखबारी रिपोर्ट्स आती हैं उनके मुताबिक वो हफ्ते की रात दुबई में 11 बजे होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर के बाथरूम में इंतकाल कर गई। श्रीदेवी मुबैना तौर पर होटल के बाथरूम में बेहोश हो गई थी जिन्हें फौरी तौर पर दुबई के शेख राशिद हॉस्पिटल लेके जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हालात वाकया जो है श्रीदेवी की मौत पर किए गए
कई सवाल उठा रहे हैं और यूं महसूस हो रहा है कि श्रीदेवी की मौत तबई नहीं थी बल्कि उसका एक और वर्जन सामने आ रहा है। इसमें सबसे पहले यह कि बॉनी कपूर ने कहा कि जी वो कमरे में थे और श्रीदेवी तैयार होने गई और 15 मिनट में जब वो नहीं निकली तो उन्होंने होटल का दरवाजा खटखटाया और मुझे नहीं पता कौन औरत था जो 15 मिनट में तैयार हो जाती है, बट बॉनी कपूर को लगा कि 15 मिनट के बाद लेट हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि दरवाजा तोड़ा उन्होंने, वो अंदर गए, वो बाथटब में थी, उन्होंने उनको रिवाइव करने की कोशिश की, अपने एक दोस्त को नीचे से बुलाया, फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बाय दैट टाइम 9 बज गए थे। अब क्या होता है कि उसके बाद रिपोर्ट आती है कि नहीं बॉनी कपूर तो होटल में थे ही नहीं, ये अगले दिन आती है। अच्छा, साथ ही उस दिन वीडियोस निकलना शुरू होती हैं श्री देवी की और बॉनी कपूर की, है कि वो डांस कर रहे हैं, वो लग रहा है हंस रहे हैं, यू नो वो वेडिंग के अंदर, और वो श्री देवी की एक एंट्री वाला भी है। हर वो वीडियो जो शो करती है कि बॉनी कपूर बड़े लविंग हस्बैंड हैं, वो वीडियो रिलीज की जाती है। उसके बाद पता चलता है कि बॉनी कपूर तो होटल में ही नहीं थे। बॉनी कपूर, फिर पहले एक स्टोरी आती है कि बॉनी कपूर कहते हैं कि जी उन्होंने होटल वालों को कहा कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन उठाया नहीं जा रहा, प्लीज़ चेक करो। उन्होंने चेक किया तो दरवाज़ा उनको बंद मिला, उन्होंने तोड़ा दरवाज़ा या खोला दरवाज़ा तो अंदर उनको एक ब्लोटेड बॉडी मिली। ब्लोटेड यानी कई घंटे या शायद दिन से ज़्यादा जो पानी के अंदर बेचारी बॉडी जो है वो हो। अच्छा, चौथा एक और उसमें सवाल यह आया कि जी उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद रूम सर्विस से कुछ ऑर्डर किया था और ये हुआ। बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि जो रिपोर्ट है कार्डियक अरेस्ट वाली, दवाइयों वाली, अद्वियात वाली, ये सारी वो चीज़ें जो एकदम से मशहूर कर दी गई। मुझे इसमें आई सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। अब क्या होता है, अब दुबई पुलिस बॉनी कपूर को डिटेन कर लेती है, सडनली इंडियन गवर्नमेंट भी पीछे पड़ गई, उसमें अंबानी साहब भी पीछे पड़ गए, उनका जहाज भी आ गया, पूरी इंडियन कम्युनिटी, ऑब्वियसली श्रीदेवी इज नो स्मॉल पर्सन, श्रीदेवी इज एन आइकॉन, उनको उन्होंने ला के उन्होंने बॉनी कपूर को पकड़ लिया दुबई पुलिस ने, और उन्होंने ग्रिल किया। 16 घंटे के बाद लोगों ने इंटरवीन करवा के उनको छुड़वाया और अब वो बाहर निकल सकते हैं। प्रॉबली हमें रीजन कभी नहीं पता चलेगा, लेकिन श्रीदेवी की मौत ताहिर सरवर मीर साहब हादसा की। ये देखें, इस सिलसिले में तो अरुण साहब जो हैं वो दिल्ली में हैं और वो दुबई में, उनका इंतकाल हुआ है और उस पर आपने रोशनी बड़ी तफसील से डाल दी कि ये मिसहैप हुआ है और वो एक नॉर्मल उनकी जो है डेथ नहीं हुई, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, शायद कुछ और भी इस सिलसिले में पता चले। मुझे तो आपको ये बताना है कि मैं उनसे शौकत खानम हॉस्पिटल का नुमाइंदा बन के मैं 2005 में बांद्रा क्लास स्टेडियम में सुनामी का एक जो जिससे इंडिया भी अफेक्ट हुआ था और श्रीलंका भी, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सुनील दत्त साहब थे, उन दिनों जिंदा थे, स्पोर्ट्स और कल्चर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बुलाया था, तो एक डेलीगेशन लेके मैं वहाँ गया था और एक हमदर्दी के नाते और डिप्लोमेसी, तो वहाँ उन दिनों मैं रजा कराना तौर पे शौकत खानम के लिए भी वो इंडिया के आर्टिस्टों को जो है वो कोऑर्डिनेट करता था, तो उस टूर में मैंने शाहरुख खान और फिर श्रीदेवी को इनवाइट किया था। उन्होंने बड़े ध्यान से वो इन्विटेशन जो है वो मेरी सुनी और पूछा कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वो बातें हमारी तय हुई कि वो आएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान मेरी उनसे जो मुलाकात मुझे जो हुई थी वो दुबई में ही हुई थी, और जो मेरा बीस टावर में असलम भट्टी साहब की फिल्म की लॉन्च थी जिसमें खुद भी वो हीरो थे, सल्तनत फैसल बुखारी साहब जो थे उसके वो डायरेक्टर थे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी दोस्तों को बुलाया था, तो हम लोग भी वहाँ थे, तो श्रीदेवी और बॉनी कपूर और ये सारे थे। बट तब भी मैं देख रहा था, इतने साल पहले की बात है, कि ये मियाँ बीवी में कहीं ना कहीं गैप्स थे, डिफरेंसेस थे, दे वर अ वेरी अनहैप्पी कपल, ये जो नज़र आते थे ये वो नहीं थे। व्हाट वेंट रॉन्ग हमें नहीं पता, लेकिन अगले चंद दिनों में हमें पता चलेगा। अरुण असारा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जब एक ब्रेक के बाद आऊँगा तो डॉक्टर ज़रका तैमूर, पलवशा खान ये मेरे साथ होंगी और ताहिर सरवर मीर साहब भी होंगे। आपको बताऊँगा कि कौन से MNAs हैं वो छोड़ने वाले हैं नून लीग अगले 48 घंटे में, और वो कौन सा मीडिया वाला है, मीडिया का वो कौन सा बंदा है जो आह चीमा की रिहाई के लिए इस वक्त पेश है,
और दीगर लोगों के साथ और क्या कुछ होने जा रहा है. एक ब्रेक के बाद टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. तायर सर रुमीर मेरे साथ हैं, डॉक्टर ज़रका तैमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फलव शाह खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे साथ ही हैं. लेकिन आपको बताऊं कि रियाज पीरजादा और रजा हयात हराज समेत 15 से 20 एमएनए नून लीग छोड़ने की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं. रियाज पीरजादा रजा हयात हराज इनके समेत 15 से 20 एमएनए जो हैं अगले 48 घंटे में नून लीग को खुदाफिस कह देंगे. उनका जो है सफ़र नून लीग का वो पूरा हो गया. वो बस से उतर रहे हैं. कौन सी बस पर चढ़ रहे हैं ये मुझे अभी नहीं पता. लेकिन इलेक्शंस बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं. नून लीग के लोग क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं तो बोलियां ज़्यादा लगना शुरू हो गई हैं और एक एक सेनेटर को एक एक वोट जो है बनने के लिए तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपया मिनिमम खर्च करना पड़ रहा है. मैं तो कहता हूं कि सेनेट की सीटें नेशनल असेंबली की सीटें इस मुल्क की ऑलेक्स पे डाल दें और वहां पे फॉर सेल करें क्योंकि जब इतना ही पैसा आ रहा है तो शायद कुछ हमारा कर्जा कम हो. जरका आप कितना पैसा लगा रही हैं जीतने के लिए? मैं तो जी कोई पैसे नहीं, मतलब ये कोई हजारों में मैं पैसे लगा रही हूँ. वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि समोसे खिला रही हैं आप? समोसे नहीं, समोसों से बेहतर खिला रही हूँ. क्या खाने खिला रही हैं? खाने, थोड़ी सी कैंपेन, थोड़ी सी पब्लिसिटी, बस यही कुछ कर रही हूँ. आपकी पार्टी इंश्योर कैसे करेगी कि वोट पड़े आप लोगों को? देखिए हमारे अपने पार्टी, अपने पार्टी क्योंकि आपके तो लोग वोट बेच रहे हैं. नहीं नहीं, हमारे लोग कोई वोट नहीं बेच रहे. हमारी पार्टी के 30 वोट हैं. आपको यकब को पता चल जाएगा कि कितने वोट बिके हैं और कितने हैं, और 30 के ऊपर जितने वोट आएंगे वो फिर हमारी एडिशनल है. लेकिन ये निहाल हाशमी की सीट पर आप बात करें, ये निहाल हाशमी, तो उसमें आपको कितने चांसेस हैं जीतने के? मतलब इफ यू लुक एट के 372 की असेंबली है जिसमें इस वक्त 368 लोग हैं और मेरा वन ऑन वन इलेक्शन है. नून लीग का एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट हैं लेकिन एक कवरिंग कैंडिडेट है. तो एक नून लीग का कैंडिडेट और एक मैं, तो आप देख लें 368 में, यानी आपके 30 वोट है उसमें, मेरे उसमें, हमारी पार्टी. सब सवाल ये पैदा होता है, देखना ये कि उस दिन 30 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते. बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका टेस्ट हो जाएगा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अब बाकी पीपल्स पार्टी और काफ लीग वाले जो है वो आपको डालेंगे कि नहीं? देखिए जी, इसके ऊपर तो उनसे गुफ्तगू हो रही है. पीपल्स पार्टी कहती है कि हालांकि उस दिन पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, ना ही काफ लीग का कोई कैंडिडेट है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी कर रही है क्योंकि उनका जनरल इलेक्शन में कैंडिडेट है. तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप जनरल इलेक्शन में हमें डालें तो फिर हम आपको बाय इलेक्शन में डालेंगे. सो वो उसके ऊपर उनसे बात हो रही है, लेट अस सी क्या होता है. अच्छा, तो और उसके अलावा आपके चेयरमैन तो जरदारी साहब से बात नहीं करते, तो ये बातें कौन करता है उनसे? जरदारी साहब? हाँ. जरदारी साहब से तो बात नहीं होती ना, उनसे नीचे ही बात होती है. किसे? जो मुख्तलिफ लोग हैं. देखिए आठ तो, उनके आठ एमपीएज हैं और उनमें पर्सनल एंड अदरवाइज. पलवशाह तो जरदारी साहब कितना माल लगा रहे हैं, सुना बड़ा माल लेके निकले हुए हैं वो सेनेट इलेक्शन के लिए. कोई अपना 8-10 अरब तो दुबई से आया था लास्ट टाइम, कितना है हकीकत तो बताए. देखें, बिकने वालों का भी कोई जिक्र कर लें. अगर कोई ये हिसाब हो कि जो बिक रहे हैं वो राशि रिश्वत देने वाला ज्यादा गुनाहगार है, जो बिक रहे हैं वो इस मुल्क के एमपीएज हैं, ठीक है ना. अगर बिकने को कोई तैयार बैठा हुआ हाँ. है और वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मुल्क के पार्लियामान के वो मेंबरान हैं, तो बड़ी शर्म की बात है. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये इलेक्शन आइंदा मेरे ख्याल में अगले साल या उससे आइंदा चंद सालों में तो ये इस ब्रैकेट में पहुँच जाएगा कि बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं वो इससे आउट हो जाएंगे. यानी अभी भी जो हम सुन रहे हैं वो एस्टिमेट्स जो हैं 40 करोड़ 60 करोड़ तक पहुँचे हुए हैं. लिहाजा बड़ी शर्म की बात है और मैं समझती हूँ इसका कोई ना कोई तोड़ ज़रूर होना चाहिए. और ये कोई दुकान में पड़ी हुई कोई ऐसी अशिया तो नहीं है जिनको हम जाएं और ख़रीद लें. ये बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जिनको लाखों वोट पड़ते हैं और ये अपने हलकों की नुमाइंदगी करने यहाँ आते हैं. लिहाजा मैं समझती हूँ अगले साल
या इस साल पिछले साल की पिछली टेन्योर थी उसके निस्बत मेरे ख्याल में 20 करोड़ ऊपर चला गया है, अगले 3 साल बाद पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस मुल्क में इलेक्शनियरिंग या इलेक्शंस में हिस्सा लेना एक आम आदमी के लिए तो ख्वाब ही है सिर्फ, इससे आगे कोई सोच भी नहीं सकते अच्छे अच्छे लोग भी कि वो ये काम कर सकें। और मैं समझती हूँ ताहिर सर, मीर साहब एक मिनट जी, मैं आपको साहिर लुधियानवी की बिल्लियों के नाम तो पता होंगे लेकिन डिप्टी चेयरमैन का नाम तो नहीं पता होगा सेनेट का। मैं तो ये यानी ये कैसा है कि आपके सेनेट जो बिकाऊ है ये, मैं भी हैरान हूँ आपकी तरह और पाकिस्तान के आवाम की तरह कि जो ये क्या कारोबार है। वो आपके और मेरे बचपन के जमाने का गीत गाया था मेहदी हसन साहब ने, लगा है मिस्र का बाजार देखो, है जी। तो ये तो मिस्र के बाजार से भी, और इसका रेट जो है ना डॉलर रेट है ना यूरो, ये कोई अलग ही रेट है, है जी। बिटकॉइन बिटकॉइन निकल रहा है। आगे इलेक्शन में क्या होना है सेनेट के इलेक्शन में? मेरा तो ये ख्याल है जी कि ये जो सेनेट के इलेक्शंस हैं इनको चेंज करना पड़ेगा। यू शुड आइदर हैव डायरेक्ट इलेक्शंस, यू शुड गेट रिड ऑफ दिस हॉर्स ट्रेडिंग, बिकॉज आपने एक मजाक बना लिया अपनी हाईएस्ट आपकी जो बॉडी है गवर्नमेंट में उसको आप इस तरह से, ना तो वो कोई फाल काम करते हैं ना उनकी कमेटीज कुछ डिलीवर करती हैं। उनका काम है लेजिस्लेशन करना, अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की, और जो लोअर हाउस कर रहा है उसकी सुपरविजन करना। तो वो तो वहाँ पे सिर्फ मराहत लेने का एक तरीका है, और ये अमीर लोगों का खरीद के या किसी का, जिस तरह जरदारी साहब अब अपना प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? अगर अकाउंटेबिलिटी करते हैं तो इवन ब्यूरोक्रेट्स बाहर आ जाते हैं, सियासतदान कहते हैं पहले उसका करो। देखिए जी, सबसे पहली बात पंजाब ही करे तो बाकियों की नहीं हो रही। मुबशर ये बताइए कि अगर यही हरकत जो इस वक्त पंजाब में हो रही है, सिविल सेक्रेटेरिएट को ताले लगे हुए हैं और ब्यूरोक्रेट्स जो हाईएस्ट लेवल पे हैं वो अपनी वीडियोस बनाकर रिलीज करें और उन्होंने लिखा हुआ है नो मोर, मुझे बताइए अगर यही हरकत सिंध या बलूचिस्तान में होती तो अब तक लोगों को उल्टा लटका दिया गया होता, स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बन गए होते और इस वक्त गद्दारी के मुकदमात उसमें चल रहे होते। मगर यहाँ ये क्यों जो है अलाउ किया जा रहा है, यानी कि वो तमाम अफसरान जिन्होंने ये हरकत की है उन पर आज तक क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कोई मुकदमा बना है, कोई तो और प्रोसीजर कार्रवाई है जो आपने सुनने में लेके जाते हैं? देखिए आपके पास सारे बड़े बड़े वकील हैं, ले जाए कोर्ट में उनको टांग दे उनको। कल जब देखे टांगने तो बिल्कुल जाने चाहिए, इसमें क्या दो राय है कि वो नहीं टांगे जाने चाहिए। मुझे ये बताइए कि जब सिंध में सब कुछ हो रहा था तब तो बहुत अच्छा था, तब तो वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब थे और बाकी तमाम हुकूमत जो है वो इस बात को बड़ा सताइश इस पे इनको देती थी कि बिल्कुल 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 ठीक हो रहा है। लेकिन आज जब पंजाब में होना शुरू हुआ तो वो बात हराम हो गई, सिंध में हुआ तो वो हलाल था। और ये वही कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स जो इनके मंजूर नजर हैं, जो कि इनके बड़े कर रहे हैं, यानी बड़ों ने कहा है कि हम फैसला नहीं मानते, तो ये इनके नीचे वाले भी यही कर रहे हैं कि ये भी यही कह रहे हैं कि हम किसी किस्म का एहतसाब नहीं मानते। और इससे ज़्यादा बताइए बगावत जो है रियासत के साथ क्या हो सकती है। लेकिन लेकिन ये बिल्कुल दंदनाते हुए फिर रहे हैं, सिविल सेक्रेटेरिएट को ताले लगे, आज भी वहाँ कोई काम नहीं हो रहा मगर किसी के कान पे जूं रेंग नहीं रही। लिहाजा अब इस पर ये वजीर अकल वजीर आपने तस्वीर देख रहे हैं सामने प्रेसिडेंट सुना है शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं अपनी अहलिया के साथ बैठे हैं हंसी मजाक कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये ब्यूरोक्रेट्स को ये पता है कि एहतसाब ब्यूरो ने नैब ने उनकी करप्शन की फाइलें खोलनी है और ये उन लोगों में से हैं कि ये बड़े वो है ना मम्मी डैडी टाइप बाबू हैं, ये 2 घंटे भी नहीं जेल के अंदर गुजार सकते। अब इन सब के पोल खुल रहे हैं, मसलन मुल्तान मेट्रो बस से भी नैब इंक्वायरी जारी है, कमिश्नर असदुल्ला खान एमडी मुल्तान मेट्रो बस प्रोजेक्ट के सरबराह थे। रावलपिंडी मेट्रो प्रोजेक्ट की फाइल भी नैब ने खोल ली, पंजाब के मौजूदा चीफ सेक्रेटरी जईद उस मंसूबे के इंचार्ज थे। पिंडी मेट्रो बस से भी इजाफी फंड्स के मामलों पर इंक्वायरी चलवाई जा रही है। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुबैना तौर पर अरबों की करप्शन और डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर के खिलाफ नैब ने कई फाइलें खोलनी है। खुशहाल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के मुतालिक भी नैब में इंक्वायरी चल रही है। सेक्रेटरी पीएनडी इफ्तखार अली से इस मंसूबे के लिए जारी होने वाले फंड्स का डेटा तलब कर लिया गया। पंजाब पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौमी इंसाफ ब्यूरो ने पंजाब की पब्लिक सेक्टर कंपनीज का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया
और उन कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदों पर ब्यूरोक्रेट विराजमान है। सेक्रेटरी अली जान से लेकर पंजाब में अद्वियात की खरीदो फरोख पर इंक्वायरी की जा रही है। आशियाना स्कीम में वफाकी सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद से अब इंक्वायरी चलेगी और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के चीफ बिलाल मुस्तफा सईद से भी इंक्वायरी हो रही है। 22 फरवरी को आहा चीमा को गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए होने वाले इजलास में पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अब दो हिस्सों में तकसीम हो गई। सूबाई सर्विस के अफसरान ने इस हड़ताल की मुखालफत कर दी। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स QR में सबको जबरदस्ती बुला रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो हड़ताल में हिस्सा लें, वरना उनको नतीजे से बताया जा रहा है कि जनाब ये होगा ये होगा ये होगा, और खुद पंजाब के वजीर आला उनसे वो करा रहे हैं, म्यूटनी करवा रहे हैं। पाकिस्तान में क्या पंजाब में इस वक्त तकरीबन 250-300 में भी 350 ब्यूरोक्रेट होंगे DMG, और में से 4 को अगर फाइल लगा दें इनके CSP जो है, 4 में से इनको ठीक ठाक करके उनके गुनाहों की सजा उनको मिल जाए तो बाकी बिल्कुल एक किसी भी दुम की तरह सीधे हो जाएंगे, कोई इसमें मुझे वो शक नहीं है। लेकिन एक ब्रेक के बाद आऊँगा, आपको बताऊँगा कि और कौन कौन लोग इनको बचाने के लिए यहाँ पे, पलमा शाह खान, डॉक्टर जरका तैमूर और तायसर रुमीर मेरे साथ ही हैं। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको बताता हूं कि इमरान खान जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, बहुत कह रहे हैं कि जी फैसल सुबहान को गायब किया गया। फैसल सुबहान एक्चुअली वो आदमी है जो मुल्तान मेट्रो बस में इन्वॉल्व थे, और इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं कि चाइनीज SCCP ने जब उनको इंटरोगेट किया तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया, और जब उन्होंने उगल दिया तो उसके बाद इनको डर पड़ गया कि अब इनकी बारियां आ रही हैं और वो ये नैप के हथे ना चढ़ जाए, तो उसको फैसल सुबहान को गायब कर दिया गया। और सरप्राइजिंगली उसके घर वाले भी जो है, आज हमने बड़ा ट्रेस करने की कोशिश की लेकिन हमारा रब्ता नहीं हुआ, हो सकता यही हो, लेकिन अगर वो हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खरा सच की टीम से रब्ता करें फैसल सुबहान के घर वाले जो है। पलवशा, सुबहान को क्यों गायब किया गया? देखिए जाहिर है इसीलिए गायब किया गया कि वो की विटनेस हैं, और जैसे इनके सबसे करीबी आदमी जो आहा चीमा नज़र आ रहा है, वो जिस तरीके से अब राज उगल रहा है, लिहाजा ये वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में वो एक और आदमी को जो है वो अंदर करा दें। लेकिन आप ये ज़रूर देखिएगा कि कल जब शहबाज शरीफ साहब, सुना है कि वो नून लीग के सदर बन रहे हैं, और अगर वो सदर बन गए कल तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इस किस्म की जो बगावत है वो यहाँ सेंटर में भी, फेडरल ब्यूरोक्रेसी में भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा अब इनका ये जो एक टकराव है या बगावत और ख़तरनाक हद तक जा चुका है, मगर अब इसमें ये किस हद तक, ये आखिरी हद तक जाना पसंद करेंगे ये तो खैर अब हम देख लेंगे। लेकिन इस वक्त तक तमाम काबीना जो है उसमें कितने वज़रा ऐसे हैं जो वो काम करें जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, यानी आप अंदाज़ा करें वज़ीर दाखला हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसको तशबीह दे रहे हैं भारत की सर्जिकल स्ट्राइक से, इससे ज़्यादा तौहीना में इस बात क्या होगी। वज़ीर रेलवे हैं तो आज उन्होंने हाथ बांध कर कहा है कि मुनसिफ हो आप बस करें, वज़ीर इत्तलात हैं तो वो सबसे पहली वज़ीर बनने का एज़ाज़ हासिल करती हैं जो पार्लियामेंट में डिबेट ओपन करती हैं अदलिया के खिलाफ, वज़ीर आज़म है तो वो रद्दी की टोकरी से लेकर अदलिया के खिलाफ जंग को पार्लियामेंट के फ्लोर तक लेके आते हैं। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन ऐसा है जो वो काम कर रहा है कि जो इस वक्त जिसकी वो तनख्वाह ले रहा है, तमाम की तमाम कैबिनेट बशमूल वज़ीर आज़म इस वक्त जाती उम्रा के चक्कर ऐसे ही काट रहे हैं जैसे अंग्रेज़ जो हैं वो गर्मियों में अपना कैपिटल, समर कैपिटल मूव कर देते थे कई पहाड़ों पर। तो इस वक्त इस हकूमत का कैपिटल इस्लामाबाद से इन्होंने हटाकर लाहौर कर दिया है, और उस पर तमाम सरकारी मरात, उस ट्रैवलिंग पर, आने जाने पर, प्रोटोकॉल पर खर्च हो रही है। जो भी कौम के बचे कुछ पैसे हैं वो ये ख़ानदान शरीफिया को डिफेंड करने के लिए लगा रहे हैं। इनमें से कौन सा ऐसा वज़ीर है जो इस वक्त अपने मुल्क का मुकदमा लड़ने को तैयार था इंटरनेशनली, जो हम एक ब्लैक लिस्ट में तकरीबन जो है वो आ गए हैं। लिहाजा अब आप ये अंदाज़ा कीजिए कि इस सूरत हाल में अब क्या वो टकराव है जो बच गया है। कल जब शहबाज शरीफ यहाँ बनेंगे इनके प्रेसिडेंट, तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ये इसमें कोई मामलात में जो है कोई बेहतरी आएगी, बल्कि वो एक इनोवेशन के साथ आएंगे, वो यहाँ कोई नई तरीके से इस
जंग को आगे ले जाएंगे। और बिल्कुल मत समझिए कि किसी तरीके से भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का असर रसूख जो है उसके बाद कम होगा। कल भी वो एड्रेस करेंगे अपनी पार्टी को, और जब वो एड्रेस करेंगे तो मुझे नहीं कि वो गुजरांवाला बड़ा गढ़ समझा जाता है हमेशा से मियां साहब का सॉलिड। गुजरांवाला में अब दराड़ें पड़ गई, एमएनए दौड़ गए, एमपीएस दौड़ गए, वाजे तौर पे कह रहे हैं कि जी हम खुर्रम दस्तगीर के सामने खड़े हो। वो क्या वजूहत हुई कि गुजरांवाला में इतने डाई हार्ड मियां साहब के जो सपोर्टर हैं वो उनके सामने खड़े हो गए आके? सर उसकी तो मल्टीपल रीजन है, लेकिन हुआ ये है गुजरांवाला में कि एक फैक्टर जो है, आपको बेहतर पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो अब्बास सदर साहब कहते थे कि ये ना पोटा मिलाते हैं, ऐसे पूरा हाथ नहीं मिलाते, चाहे कोई एमएनए हो चाहे एमपीए हो तो वो इनकी शक्ल देखने को तरसे होते हैं पूरा। तो ये जो फैक्टर है इनकी सियासत में और इनके सारे वो सिलसिले में ना, वो रिवर्स उसने किया है, रिवर्स स्विंग। आपको पता है आप क्रिकेट को बहुत बेहतर जानते हैं, तो ये हुआ। और उसको जो खुर्रम दस्तगीर को ये सज़ा भी मिली है कि जिस तरह फ्रंट फुट पे खेलते हैं दानियाल अजीज़ या तमाल चौधरी, ये जो अपने तलाल चौधरी साहब हैं ना, और दूसरे लोग हैं जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, तो वो जो खुर्रम दस्तगीर हैं वो पहलवान गुलाम हुसैन पहलवान के पोते तो हैं, लेकिन वो बाहर से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, उनके दिमाग में, उनके कश्मीरी दिमाग में बहरहाल वो एक ग्रूमिंग है उनकी। और वो अगर किसी चीज़ की, मुझे जो फीडबैक है, मेरा शहर भी गुजरांवाला है और मैं बचपन से उन्हें जानता हूँ, वो इस तरह से जो है वो डिफेंड नहीं करेंगे जो जिस तरह से लोग जो दूसरे कर रहे हैं। लेकिन तो इसकी भी सजा मिली है। जरका फैसल सुभान जो है उन्होंने बताया कि जितनी ऑफशोर कंपनियां हैं वो शरीफ फैमिलियों की ऑफशोर कंपनीज है जिनसे पैसे जाते थे ये मुल्तान मेट्रो के लिए, तो अब तो समझ आ गई है सबको कि चोरी किया, तो वो अभी भी कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। वो तो जी उन्होंने राग अलापना है ना, नैरेटिव के वो किंग हैं, उन्होंने मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया हुआ। आपने देखा नहीं कि अभी वो जो रॉबर्ट रैडली के जो वो बयानात थे उसमें वो बेचारा कह कुछ रहा है और शहजादी बेगम जो है मरियम नवाज साहिबा वो उसको उल्टा ही लेके जा रही हैं। यानी उसने कहा कि ये कैलिबरी फॉर मरियम नवाज तो अपने खानदान की रवायात को उल्टा ले गई है, तो क्या उसके बयान की क्या वैल्यू है। नैरेटिव देखिए ना जी, नैरेटिव बिल्ड करना और उसमें मीडिया को अपने साथ लेके चलना, वो तो इन्होंने प्रूव किया है पिछले सालों में, और अभी आप रोज भी देख रहे हैं कि हो कुछ रहा है लेकिन आप स्क्रीन्स पे बिल्कुल ही कोई और कहानी देखते हैं। अखबार आप उठाएं तो उसमें लगता है कि जी अभी तक ये जीत ही रहे हैं, चले जी थोड़ी सी इनको ठेस पहुंची है, अभी ये कल खड़े हो जाएंगे, अभी ये डॉन है। आप देखिए इनकी गिरफ्त इस कदर कमजोर हो चुकी है, सबसे बड़ी उसकी दलील कि जो जाति उमरा है उसके एक तो बैरियर्स उठ गए। यानी कोई सोच सकता था कि जाति उमरा जो कि एक मार्स या जुपिटर का कोई घर है जो यहां पर है, उसके बैरियर्स उतर गए। और अब जिस तरह से इनकी इनके ऊपर गिरफ्त तेज हो रही है, नैब और इनके सारे जो इनकी व्हाइट कॉलर क्राइम जिसमें इन्होंने एक तुर्रा इम्तियाज इनको था, कहां इनकी 350 इमलाक जो यूके में है, और यहां पर जो हर तरफ से इन्होंने एक पाकिस्तानी के ऊपर 1.5 लाख का इन्होंने जो कर्ज कर दिया, इन्होंने ही तो किया है, तो ये इसके हिसाब अब इनको देने पड़ेंगे। और अब ये परेशान है, कल जो दोनों भाइयों की मीटिंग थी उसमें यही डिस्कस कर रहे थे, वो एक कह रहा सी मैं जेल ले जावांगा तो तू की करेगा, तो दूजा कह रहा सी कि मैं मुल्क तो बाहर जावांगा तो तू पिछों की करेगा। तो ये तो उन जान के लाले पड़े हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, चीख रहे हैं, आप देख नहीं रहे किस तरह चीख रहे हैं वो टेलीविजन पे, और किस तरह की उनकी आओ बका की आवाजें आ रही है कभी यहां से कभी वहां से, और साथ साथ वो मुझे क्यों निकाला का राग तो अलाप ही रहे हैं, और एक राग वो अलाप रहे हैं और एक राग उनकी बेटी अलाप रही है ट्वीट के ऊपर। तो ये एक कहानी है जो चल रही है, लेकिन इसका अंजाम जो है वो मंतकी अंजाम पे जाएगी और उसमें मकाफात अमल होगा कि जो इनकी गर्दन में जो अवसरिया था जिसका आप बात करें कि पोटे मिलाते हाथ नहीं किसी से मिलाते, 1979 से अब तकरीबन 40 साल हो गए। अब जाहिर है इनका दिमाग तो आप वो कहते हैं ना पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, सो दे थॉट दे वर अनटचेबल, द एम्परर विद न्यू क्लोथ्स, सिर्फ इनको ही नजर नहीं आ रहा था, बाकी दुनिया को नजर आ रहा था कि अब आखिर आ रहा है और अब ये दिस इज द एंड, अनदर 15-20-30 डेज एंड दे आर डन इंशाल्लाह। पलवशा आप एग्री करती हैं 15 डेज 20 डेज एंड दे आर डन?
देखिए, तो मैं अब नहीं कह सकती कि 15-20 डेज में डन हो जाएंगे या कोई कि पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है एक मुश्किल वक्त इन पर आ रहा है और अगले 15-20 दिन में इस मुल्क में एक लिहाज से या तो सुकून होगा या फिर ये जो जंग है इसको ये उस नहज पर ले जाएंगे जहाँ खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होगा। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तो इस एहतसाब किस चिड़िया का नाम है, ये इनको पता ही नहीं चला। ये तो अभी 7-स्टार एहतसाब हो रहा है। एहतसाब तो वो था जो ये करते थे सैफुररहमान साहब के नीचे, एहतसाब तो वो था जब लोगों की घर की चार दीवारी फलांगी जाती थी रात को, एहतसाब तो वो था जब लोग चंबा हाउस में मर जाते थे, इनकी मुर्दा पाए जाते थे इनके तशद्दुद से, आपको याद होगा। लिहाजा ये तो अभी कुछ हुआ नहीं, अभी तक तो ये सरकारी खर्चे पर आते हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियां कई कई किलोमीटर तक इनके आगे पीछे होती हैं, इनको अभी तक तो पता नहीं कि बख्तर बंद गाड़ी में बैठने का क्या मज़ा है, इनको पता नहीं कि जेलों के आगे फर्श पर जैसे मोहतरमा बैठती थी बच्चे लेके, एक दफ़ा ये बैठे तो इनको समझ आए। अभी तो ये बड़ा नरम एहतसाब हो रहा है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि अगले 15-20 दिन बहुत अच्छा जी ये वेरी क्विकली पलविशा मुझे ये बताइएगा, टाइम कम है, मुझे बताइएगा कि अताउल्लाह कासमी के साथ क्या होगा, क्या वो वाकई लूटा हुआ पैसा मिलेगा एक्सचेकर को वापस, क्योंकि ना सिर्फ तनख्वाह की मद में लेकिन वैसे भी तो कासमी ने बहुत लूटा है पीटीवी को और लोगों को। देखिए मैं तो हैरान हूँ सुन के इस तरह की तनख्वाहें दे सकता है। देखिए वापस मिलना तो मुश्किल है, बिल्कुल दे सकता है इस तरह की तनख्वाहें और इस तरह के मुराद भी उससे बहुत ज्यादा दे सकते हैं। आपका सब्जेक्ट ज्यादा थे लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के अब आह चीमा जो है उसके लिए एक मशहूर अंग्रेजी अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब भी कूद पड़े हैं उसकी रिहाई के लिए, लेकिन उनको मैं बावर करना चाहता हूँ कि इस तरह से रिहा नहीं होना, अब वो उगल चुका है और अब वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार है। मुझे आज ज्वाइन किया था जनाब ताहिर सर मीर, डॉक्टर ज़रकत तैमूर, पलविशा खान और अरुण अस्थाना ने। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।